जब भी आते हम इधर ही खाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी पैटी बनाते हैं। हाँ श्री है, हाँ श्री खरोड़े और मुंडी। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आया हूँ जम्मू के शालामार चौक वाले एरिया में, भाई जहाँ पर आप भाई लोगों ने कहा था कि भैया वहाँ पर शालामार चौक में भाई पेटी और सिरी बहुत लाजवाब मिलती है, एक बार उस साइड पर ट्राई कर लो। भाई दो भाई हैं जो कि वहाँ पर अपनी पेटी और सिरी लगाते हैं, तो आज हम स्पेशली शालामार चौक आए हुए हैं जी यहाँ पर पेटी और सिरी ट्राई करने के लिए। मैं सिरी नहीं खाता हूँ, मैं केवल पेटी खाता हूँ, तो आज हम पेटी ट्राई करेंगे कि भैया यहाँ पर पेटी कैसी मिलती है। तो पेटी ट्राई करने से पहले मैं बताया यहाँ का लैंडमार्क और यहाँ का एड्रेस शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली भाई ये पेटी वाली जो शॉप्स हैं ये कहाँ पर है। तो जो ये एरिया है जी, ये कहलाता है शालामार एरिया, शालामार चौक एरिया। तो अगर इस राइट साइड से आप आएंगे, ये चढ़ाई वाला एरिया है, तो ये आएगा आपका जाएगा रास्ता जी इंदिरा चौक के लिए। तो अगर आप जाएंगे इस साइड से, मेरे लेफ्ट साइड से, तो ये आपका रास्ता जाएगा जी आपका शालामार चौक के लिए, जहाँ से शिव मंदिर भी है और परेड भी है। तो ये है जी पहले भाई अपने, जो कि अपने यहाँ पर पेटी और सिरी लगाते हैं। अरे वाह, गजब लग रहा है जी भाई। सर्दियों में गर्मी का एहसास हो रहा है ये देखकर, या बाप निकल रही है, मजा आ गया जी। श्याम जी क्या इसके अंदर पेटी है जी सर? थोड़ा हिलाओगे इसको? हाँ बस। तो दोस्तों देख लीजिए यार, अरे भाई श्याम जी ने जबरदस्त पीस निकाला जी। किसका है भैया? पेटी का। ओहो हो, मजा आ गया देख के जी। तो ये अपने भाई लोग हैं जो भी इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं जी सर्दियों में पेटी का मजा लेते हुए। भाई बगल में अगर आप देखोगे तो ये हैं जी अपने कुलदीप भाई। तो इन भाइयों की आपने तारीफ की है जी, इनकी पेटी और सिरी की। भाई कुलदीप भाई हैं, कुलदीप भाई थोड़ा दिखाओगे कैसे क्या बनाया आपने? ये बनाया पेटी क्या बनी? अरे बाप रे बाप, जबरदस्त जी। क्या गर्मी आ रही है जी, सर्दी में पेटी मिले खाने को तो क्या चाहिए। और भाई आप ग्रेवी देख लो, इतनी गाढ़ी लग रही है ना, शानदार दिख रही है। तो कुलदीप भाई इसके अलावा और क्या रखा? चावल रखे हैं आपने? चावल है, रोटी है। अच्छा, और चावल भी रखे हैं और आपने तवे की रोटी? तवे की रोटी रखी हुई है जी। मेरा नाम श्याम जी और 32 साल से काम कर रहा हूँ मैं जी। तो अपने काम अच्छा चल रहा है मेरा, तो देना सब कुछ ठीक है, सिंपल बनाता हूँ मैं और मेरा काम ठीक है चल रहा है। तो श्याम जी ऐसा क्या है ये जो लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी पेटी की? बस जी, ऐसा क्या डालते हैं उसके अंदर आप? ये अपने मसाले छोले होते हैं। जो मसाले कैसे होते हैं, किस तरह के मसाले हैं? गर्म मसाला हो गया, टिक्की मसाला हो गया और बढ़िया। तो इसके अलावा मतलब पेटी और सिरी रखते हैं आप? बस। और चावल? बस। इसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं। और टाइमिंग क्या आपकी? टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे आते हैं। सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक? शाम के 8 तक? अरे वाह। मेरा नाम कुलदेव है और मैं, हम पहले मेरे पिताजी इधर पेटी चावल का काम करते थे। जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने सर्विस के लिए बहुत ट्राई किया, नहीं मिली, तो इसलिए फिर मैंने भी ये काम, खर्चा पानी घर का सरकत चलाने के लिए, तो ये काम शुरू कर दिया फिर मैंने। तो श्याम भाई आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एक्चुअली भी पेटी खत्म, सारे भाई हैं, दोनों भाई हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, एक जैसे ही हैं। बिल्कुल सही, हाँ नेबर हैं तो भाई ही हो गए। तो आपने भी ये चावल पेटी और सिरी रखी हुई है? नाम संदीप है जी। मैं जी श्याम जी के पास काफ़ी देर पहले का आता हूँ, इनका बहुत पुराना ग्राहक हूँ, 2-4 बार मैं पहले भी आया हूँ। इनकी चीज़ में जो स्वाद है इतना 5-स्टार होटल में नहीं है, क्योंकि इसमें ये मिर्च मसाला वगैरह बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें बंदे को कोई इसका मतलब इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल बढ़िया चीज़ बनाते हैं, एकदम अपने घर जैसा स्वाद लगता है, जैसे बैठे हुए कि पूरा इन्जॉय होता है हमें। ऐसे जे पेड़ की छाया में ऐसे लगता है कि जैसे कोई 5-स्टार होटल है, या फुल इन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, बस यही कुछ हमें ठीक लगता है। एक तो पेट भर जाता है, दूसरा मन को तसल्ली मिल जाता है। 2 साल हो गए इधर को आते, बहुत अच्छी चीज़ बनाता है, हर ये बारे ही आए है, और कितने जाते नहीं अभी, क्योंकि रेट भी कम हैगा, जितने मर्जी चले जाओ तुम इन को रेट अगे वादूगा, ये रेट सही दिता, चौल भी दिता, अगर तरी मांगो तरी भी दे दूंगा, अगर होर पीस मांगो वो भी दे दूंगा। लेकिन बहुत अच्छा बंदा है, कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है, अभी डेली ये 2 साल हो गया ये को आते हैं। मैं कहा हर चीज़ स्वाद लगती है, पता नहीं अपने जान पा दें अपनी चीज़, हर चीज़ से मजे ही लगती है, कोई टेंशन लैन की कोई जरूरत नहीं है। यार अंदर भी पका रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने लिया सिरी ली है, पेटी ली है? पेटी ली, पेटी पेटी ली है, पेटी ली है। कब से आ रहे हो आप? मैं आज ही आया हूं, आज ही आया। अच्छा, अभी आए, कैसा लगा? ठीक है, बढ़िया लगा, बढ़िया। जब भी आते हम इधर ही खाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी पेटी बनाते हैं। हाँ श्री खरोड़े और मुंडी और पेटी बहुत स्वादिष्ट बनता है, अच्छा बनता है।
हम तो जब भी आते हैं इनकी दुकान पे खाते हैं, और कहीं नहीं जाते हैं। हमको इधर हो गए 40-50 साल हो गए रहते हुए। 40-50 साल। और यहाँ पर कब से आ रहे हो कुलदीप जी के पास? मैं आती रहती हूँ इधर, फेरी लगाने जाते हैं, काम काज पे जाते हैं, आते ही रहते, खाते ही रहते हैं। भैया लगा लो हमारे लिए अब हाफ प्लेट पेटी और चावल। भाई लगी है भूख। भाई वाह भाई, भैया लग रही है पेटी से, पेटी पेटी ओह भाई, गर्मी सर्दियों में पेटी खाने का मजा ही कुछ हो रहा है यार। भाई देखिए मजा आ रहा है, वाह। तो आगे अपनी पेटी और चावल भाई करते हैं टेस्ट। भाई टेस्ट कैसा है? तो दोस्तों ये की आगे जी अपनी पेटी। भाई सर्दियों में पेटी खाने का मजा ही कुछ हो रहा है। ग्रेवी बहुत गाढ़ी है, एकदम गाढ़ी, जैसा था वो खरौड़े का जैसे सूप नहीं होता, बस एकदम वैसा ही है। गर्मा गर्म चावल, ओहो हो। पहले हम देखते हैं कि इस पेटी का टेस्ट कैसा है। भाई आनंद है, बहुत ही लाजवाब और बहुत टेस्टी है, पूरी तरह से गला हुआ, जबकि इसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन भाई ने इसको ऐसा गलाया हुआ है कि ज़्यादा नरम भी नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है। भाई वाह, अब बताएं टेस्ट। कुछ कलेजी के पीसेस भी हैं, कलेजी लाया अभी अपने, कलेजी नहीं है। भाई वाह, ग्रेवी बड़ी गाढ़ी है यार, मजा के देखे खाने का। बस देखते ग्रेवी कैसी है, ग्रेवी देखते हैं खाने में कैसी है। भाई मजेदार है, मसाले सब आप बोलोगे भैया आप हर एक वीडियो में तारीफ करते हो, भाई अच्छी है, बढ़िया बढ़िया। भाई वाकई में काबिल तारीफ है, बहुत टेस्टी है, मसाले एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल भी तीखापन नहीं है, और जो टेस्ट पेटी का खुद में से आ रहा है तो भाई वो बड़ा लाजवाब और बहुत ही शानदार आ रहा है, और ग्रेवी तो भाई बड़ी लाजवाब है। भाई वाह, भाई मज़ा आ गया। एक और बाइट लेते हैं, मैं थोड़ा ये मिलाते हैं साथ में यार, पेटी मिलाते हैं साथ में। भाई देखो आप नोट करना, पेटी को बिल्कुल सफाई से इन्होंने साफ़ किया हुआ है, क्योंकि भाई पेटी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, गर्म पानी में काफ़ी बार उसको उबालना पड़ता है, फिर साफ़ करना पड़ता है, और वाकई में पूरी तरह से इसको साफ़ किया गया हुआ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेटी में ना थोड़ी स्मेल भी होती है, बट स्मेल बिल्कुल भी नहीं है, सच में स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत जगह पेटी खाई हुई है, मैं ये पहली बार पेटी नहीं खा रहा हूँ, मैंने पहली भी पेटी खाई हुई है, तो मैंने नोट किया गया हुआ कि उनमें ना थोड़ी स्मेल भी आती है। उसका रीज़न ये होता है कि उन्होंने इसकी प्रॉपरली सफाई नहीं की होती है, या उसको प्रॉपरली उन्होंने वॉश नहीं किया होता गर्म पानी में, तो इसलिए स्मेल आती है। एक और बाइट लेते हैं, भाई मज़ा आ गया खाने का यार। तो दोस्तों अब बता दी प्राइस की। भाई प्राइस क्या है? प्राइस जी इस हाफ प्लेट चावल का, और जो हमने पेटी देखी, कलेजी के पीसेस देखे, भाई मज़ा आ गया, तो केवल 50 रुपये का। बड़े कलेजी भी टेस्ट करते हैं। ओहो भाई गर्मियों सर्दियों में खाने को पेटी मिले और क्या चाहिए, तो प्राइस जी केवल 50 रुपये। तो जब कभी आपको मौका मिले जम्मू आने का, या जो मेरा जम्मू का दोस्त ये वीडियो देख रहा है, कभी मौका मिला है इस साइड पर आने का, शाम के बाद पेटी और कलेजी जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों फिर आप देख ले इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।